हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों मेरे चैनल एसआर मीडिया में। चलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पैन कार्ड के बारे में, किस प्रकार से हम लोग पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमको एक गूगल प्ले स्टोर में जाके क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल करना है, नहीं तो आपके पास इंस्टॉल है तो डायरेक्ट उसमें भी आप खोल के अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल में जाके भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो क्रोम ब्राउज़र सबसे अच्छा है। तो दोस्तों, पहले एक बात और बता देता हूँ, पैन कार्ड आजकल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। किस प्रकार से ये सब जगह में चाहिए या आईडी प्रूफ के तरफ से भी यूज़ होता है वो आपको सबको पता है। तो क्रोम खोल के हम लोग इसको ओपन करके आपको ये प्रोसीजर बता देते हैं। ये अभी ओपन हो रहा है क्रोम ब्राउज़र हमारा, आप लोग भी इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद फिर यहाँ पे लिखना है ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे लिखना है ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई, फिर इसको हम लोग क्लिक करके ओपन करते हैं। तो ओपन करने के कुछ इस तरह से इसका आ जाएगा। फिर दोस्तों, ये NHDL वाला जो ऑप्शन है, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NHDL, इसमें जाने से एक कोड मांगता है, वो कोड सबको पास नहीं रहता तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, अप्लाई करने के लिए प्रोसीजर पूरा हो नहीं पाता। तो हम लोग शुरू वाला ये जो प्रोसीजर है इसमें अप्लाई कर लेते हैं। 105 रुपये इसमें ऑनलाइन पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप किसी भी प्रकार से ऑनलाइन पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी है आपके पास वो पे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड लिखा है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करके इसको ओपन करके देख लेते हैं एक बार। देखिए, यहाँ पे लिखा है 110 रुपया आपको चार्ज लगेगा। फिर हमको यहाँ पे जो प्रीमियम सपोर्ट लिखा है उसको हम क्लिक कर देते हैं, क्लिक ऑलरेडी है उसको डिसक्लिक कर देते हैं। तो इसमें 105 रुपया अभी आ गया। देखिए, फिर यहाँ पे हमको इंडिविजुअल पैन कार्ड चाहिए तो इंडिविजुअल, आप नेवी आर्मी कोई एयरफोर्स में है तो उसका भी ऑप्शन है, ठीक है। वो भी आप उसमें जॉब कर रहे थे आप क्लिक कर सकते हैं, उसको चॉइस कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा पैन अप्लाई एप्लीकेशन नेम, पैन कार्ड आप किस नाम पे अप्लाई करना चाहते हैं, आपका यहाँ फर्स्ट नेम लिखना है, फिर यहाँ पे मिडिल नेम लिखना है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फादर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम ये लिखना है। फिर पैन कार्ड का आपको कैसा नाम चाहिए, जो वो नाम यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, बस यहाँ पे दो ही ऑप्शन है। आपका कोई अदर नेम है क्या, वो भी यहाँ पे लिखना है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। आपका यहाँ पे आधार कार्ड का नाम पे आपका क्या नाम नेम है वो भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर हो गया आधार कार्ड का, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नंबर लिखना है और यहाँ पे आधार कार्ड का नाम लिखना है, ठीक है। और जो ये आपका राइट इन्फॉर्मेशन भरिएगा, नहीं तो ये एक्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ मंथ और ईयर, फिर मेल फीमेल या मैरिड या सिंगल है वो लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, जो चालू मोबाइल नंबर है वही लिखना है, जो ईमेल आईडी आप लोगों का चालू है वही लिखना है उसमें, क्योंकि उसमें एक सॉफ्ट कॉपी आता है वो आपको बाद में काम आता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका रेजिडेंशियल या ऑफिशियल कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पे आपको कौन सा एड्रेस आईडी प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना, जैसे वोटर आईडी हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। ऐसे सेम प्रोसीजर यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए आपको क्या आईडी आप चूज कर रहे हैं वो सबमिट करना है, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट, फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए, फिर ऑफिशियल एड्रेस के लिए, यहाँ पे सेम प्रोसीजर है। फिर यहाँ पे आपको पैन कार्ड किस पर्पस पे चाहिए, मतलब क्या आप इनकम करते हैं, तो आपको कोई इनकम नहीं है तो यहाँ पे नो इनकम लिख दीजिए। आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई सैलरी, कोई अदर जॉब करते हैं, या कोई हाउस वाइफ है, हाउस में किसी का काम करते, वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोई अदर सोर्सेज भी आप अप्लाई लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर नीचे आ जाइए आप 5 नंबर पर, यहाँ पे है एड्रेस बुक के लिए, रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए आपका यहाँ पे डोर नंबर, ब्लॉक नंबर, जो भी है, रूम नंबर, फ्लैट नंबर वो लिखना है। फिर आपका यहाँ पे विलेज नेम हो गया, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर यहाँ पूरा आपका रेजिडेंशियल एड्रेस प्रॉपरली फिलअप करना है, ठीक है दोस्तों। फिलअप करने के बाद फिर यहाँ पे आपका ये नाम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड करना, प्रोसीड करने के बाद आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा जिसमें आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मांगा है। देखिए दोस्तों, पेमेंट करने के लिए जो ऑप्शन मांगे, आपके पास 222 रुपये का कुछ प्रीमियम आ सकता है, तो उसमें आप सेम प्रोसीजर यहाँ पे करिए, प्रीमियम सपोर्ट वाला ऑप्शन में क्लिक होगा, इसको डिसक्लिक कर दिए, फिर आपका 105 रुपये आप लोग ऑनलाइन पे करना है। तो आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन उसको पे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वो पे करने के बाद आपके पास ये एक सॉफ्ट कॉपी भेजेगा, ठीक है। आपका जो ईमेल आईडी दी है, उस ईमेल आईडी पे एक सॉफ्ट कॉपी आएगा, वो सॉफ्ट कॉपी हमको डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकालना है दोस्तों, या आप डरिए मत, थोड़ा इजी प्रोसीजर है, उतना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो उसको प्रिंट आउट निकालने के बाद
उसमें एक फ़ोटो लगाना है हमारा, फ़ोटो लगा के नीचे ब्लैक पेन से साइन करना है। साइन करके एक एग्जांपल वो लोग ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, तो एक फॉर्म है उसको फिलअप करना है, जो सेम टू सेम फॉर्म यहाँ फिलअप किए उसके सेम टू सेम फॉर्म फिलअप करके आप जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका आईडी प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट या रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर एक एक जेरॉक्स कॉपी लगा के एक एड्रेस वो लोग ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा वो एड्रेस पे आपको 20-25 रुपया लगेगा, स्पीड पुस्ट कर देना दोस्तों। स्पीड पुस्ट करने के बाद 1.5 महीना के अंदर आपका पैन कार्ड बनना ही है दोस्तों। तो इस प्रोसीजर से हम लोग पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ये मैं खुद किया हुआ हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलो दोस्तों आज आपने सीख लिया कि पैन कार्ड किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, आगे जाके ये हमारा बहुत काम आएगा दोस्तों। आपका किसी दोस्त को पता नहीं है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। तो चलो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके दोस्तों, बाय।